Hello everyone, so today we are going to start chapter 15 Water or Necessity. Although three fourths of the earth's surface is covered with water, only a very small portion of it can be used for drinking. This is because most of the water on the earth is present in the seas and oceans which contain salty water. दिस वॉटर इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग और अदर डे टू डे एक्टिविटीज़ मीन्स जो हमारी अर्थ का सरफेस है उसका थ्री फोर्थ पार्ट तो सिर्फ पानी से ही कवर्ड है और इसमें से बहुत छोटा पोर्शन हम ड्रिंकिंग के लिए पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं बहुत कम पोर्शन होता है जो हम सिर्फ ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करते हैं और ऐसा क्यों है क्योंकि जो हमारी थ्री फोर्थ पोर्शन है वो थ्री फोर्थ पोर्शन में ओशंस भी आते हैं सीज़ ठीक है ओशियन का पानी सीज का पानी पोन्स का पानी ये सारों को मिला के ये थ्री फोर्थ पोर्शन कवर करता है अर्थ का बट जो सिर्फ वन पोर्शन है इसका वन बाई फोर पोर्शन है वो सिर्फ हम ड्रिंकिंग के यूज ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि ओशियन और सी का वाटर सोल्टी होता है और वो सुटेबल नहीं होता ड्रिंकिंग के लिए नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ वाटर सोर्सेज ऑफ वाटर मीन्स हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है ठीक है रेन The main source of fresh water on the earth is rain. Rain water fills ponds, lakes, seas, oceans, and other water bodies. ठीक है तो जो ये रेन है जो फ्रेश वाटर है वो कहाँ से ओपटेन हो रहा है ये रेन से ओपटेन हो रहा है ठीक है और रेन वाटर क्या करती है फील्ड्स मतलब पोन्ट्स लेक सीज ओशियंस एंड अदर वाटर बॉडीज़ को फिल करता है जहाँ पे पानी स्टोर होता है और वो हमारा सोर्स ऑफ वाटर हो जाता है ठीक है मीनस वहीं इन्हीं सब रेन से हमारा सबसे ज़्यादा पानी आ, हमारे हम स्टोर कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट इज़ अंडरग्राउंड वाटर अंडरग्राउंड वाटर सम रेन वाटर सीप्स इन टू द सोइल एंड रिचेज द लेयर ऑफ सोलिड रॉक्स मीन्स जो आ, कुछ रेन वाटर जब भी बारिश होती है तो उसका कुछ पानी कुछ अमाउंट ऑफ वाटर हमारा क्या होता है अर्थ की सोयल की आ, अंदर चला जाता है ठीक है सीप हो जाता है अंदर चला जाता है और अंदर जाके वो क्या हो जाता है अंदर ही एज अ अंडरग्राउंड वहीं पर स्टोर हो जाता है इन सम हिली एरियाज़ इट कम्स आउट टू दी सरफेस एज स्प्रिंग और फिर क्या होता है जैसे हिली एरियाज़ में अगर ऐसे ही बारिश होती है तो वो बारिश का पानी क्या होता है अर्थ में जाके स्टोर हो जाता है और कई बारी जब ज़्यादा क्वान्टिटी में रेन हो जाती है तो क्या होता है फिर वही वो वोटर आ, मतलब सी हो आ, मतलब बाहर निकल के एज अ स्प्रिंग एज अ झरने की तरह आ, पहाड़ों से या हिली एरिया से बाहर आने लगता है ठीक है नेक्स्ट इज़ सरफेस वाटर रेन वाटर स्लाइड्स ऑफ द ग्राउंड एज सरफेस वाटर एंड फिल पोन्स लेक्स रिवर्स एंड सी ठीक है मीन्स जो बारिश का पानी होता है वो क्या करता है आ, एक सरफेस वाटर की तरह अर्थ पे हमारे स्टोर हो जाता है मीन सरफेस पे ही रहता है ठीक है वो अंदर नहीं जाता अंडरग्राउंड में नहीं जाता ठीक है वो ऊपर सरफेस पे ही होता है और उससे क्या होती है जैसे कि पोंड्स और लेक्स होते हैं उन और रिवर का पानी होता है उन्हीं को सरफेस वाटर कहा जाता है ठीक है अपड इज़ अ स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड इट फिल्स अप इन द रेनी सीजन वैन इट रेन्स सम पोन्ट्स ड्राई अप इन समर अ लेक इज़ बिगर देन अ पोन मीन्स एक पोन क्या है तालाब को बोला जाता है जो कि बहुत छोटा होता है ठीक है और मोस्टली ये बारिश के सीज़न में सीजन में फील हो जाता है और कई बार जब समर होती है गर्मियाँ होती हैं तो ये ड्राई भी हो जाता है अ लेक इज़ बिगर देन अ पोन्ड एक लेक जो है वो हमेशा लेक मीन्स झील झील जो होती है वो हमेशा पोन्ड से तालाब से छोटी होती है ठीक है मीन्स लेक जो होता है वो पोन से बिगर होता है बड़ा होता है रिवर फ्लोज फ्रॉम दी माउंटेंस हिल्स एंड अदर प्लेसेस वेयर इट रेन्स और लोड जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो माउंटेंस और हिल्स पे से जो भी पानी बह के निकलता है वो क्या बनाता है वो रिवर बनाता है ठीक है मीन्स जितना भी पानी हिल्स और माउंटेन्स से आता है और जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ का पानी सारा रिस रिस के एक नदी में आके नदी के फॉर्म में फ्लो होने लगता है ठीक है वन द स्नो और आइस मेल्ट इन हिल माउंटेन्स इट फ्लोज डाउन टू फॉर्म रिवर सच रिवर्स आर कोल्ड स्नो फेड रिवर्स और पेरिनियल रिवर्स जब कई बार बर्फ़ या फिर आ, हाँ कई बार बर्फ़ जब मेल्ट होके पहाड़ों पे से मेल्ट होके बहने लगती है तो वो आ, वो भी नदी बन जाती है ठीक है तो आ, कुछ ऐसी रिवर्स हैं जिनको इन्हीं रिवर्स को क्या बोलते हैं स्नो फेड रिवर्स या फिर पेरिनियल रिवर्स बोलते हैं ठीक है मीन्स जब आ, आ, हमारी पहाड़ों के ऊपर या हिल्स के ऊपर जब बर्फ़ पड़ती है तो वो बर्फ़ का सीज़न जब ऑफ होता है तो वहाँ से वो बर्फ़ सारी पिघल पिघल कर रिस के सारा वो धीरे देर धीरे पहाड़ों से नीचे आने लगती है और नीचे आके वो नदी नदी में आके मिल जाती है और फिर नदी से आगे जाके समुंदर में या फिर सागर में मिल जाती हैं ठीक है तो ऐसी रिवर्स को क्या बोलते हैं स्नो फेड रिवर्स बोलते हैं दे कैरी पेनल्टी ऑफ वाटर थ्रू आउट द ईयर ठीक है इसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है पूरे साल ठीक है पूरे साल इसमें पानी रहता ही रहता है ठीक है इन रिवर्स में ठीक है कभी ख़त्म नहीं होता तो जैसे कौन सी ऐसी नदियाँ जहाँ पे हमेशा पानी रहता है थ्रू आउट द ईयर मीन्स पूरे साल चलता रहता है ठीक है तो वो कौन सी रिवर्स हैं गंगा यमुना एंड ब्रह्मपुत्रा आर स्नो फेड रिवर्स दे फ्लो फ्रॉम द हिमालयस जो कि हिमाल हिमालय से निकल के आता है ये सारा पानी और फिर रिवर में मिक्स हो जाता है ठीक है रिवर दैट कैरी ओनली रेन वॉटर आर कोल्ड रेन फेड रिवर्स ठीक है जो ऐसा ऐसी रिवर्स होती हैं जो सिर्फ बारिश का पानी ही कैरी करती हैं मीन्स जो रिवर सिर्फ बारिश के पानी से ही बनता है ठीक है तो उसको रेन फेड रिवर्स बोलते हैं ठीक है दे हैव अ लोट ऑफ वॉटर ड्यूरिंग द रेनी सीजन बट ऑलमोस्ट ड्राई अप ड्यूरिंग समर ठीक है जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो सिर्फ इसमें इन रिवर्स में पानी तभी रहता है जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है या बारिश के सीज़न में ठीक है और जैसे ही बारिश ख़त्म हो जाती है और समर के सीज़न में ये सारी नदी सूख जाती है ठीक है तो ऐसी नदियों को क्या बोलते हैं रेन फैड रिवर्स ऊपर वाला स्नो फैड रिवर्स था जो वो बर्फ़ का पानी पिदलता है ठीक है तब वो बनती हैं और ये सारा साल ये रिवर बहती ही रहती है बट जो रेन फेड होती है वो समर में सूख जाती हैं और ये सिर्फ बारिश के सीज़न में ही फ्लो होती हैं ठीक है थीके? तो ऐसी नदियों को क्या बोलते हैं रेन फेड रिवर्स और ये कौन कौन सी हैं कावेरी कृष्णा एंड गोदावरी आर सम एग्ज़ाम्पल ऑफ रेन फेड रिवर्स इन इंडिया यही सारे कावेरी कृष्णा गोदावरी ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं हमारे इंडिया के रेन फेड रिवर्स की ठीक है ओशियंस सीज़ आर वेरी लार्ज बॉडीज़ ऑफ वाटर दे कंटेन सोल्टिव वाटर अ सी इज़ स्मॉलर देन एन ओशियन देर आर मैनी सीज़ ऑन द अर्थ ठीक है ओशन एंड सीज़ जो हैं ये बहुत बड़ी होती हैं और इनमें सारा सोल्टि वाटर होता है मीन्स जो इसका पानी होता है वो सोल्टी होता है ठीक है और हम एक सी जो है वो हमेशा ओशियन से छोटी होती है और हमारे अर्थ में बहुत सारी सीज़ हैं ठीक है फैक्टांड पैसिफिक एटलांटिक इंडियन आर्कटिक एंड अंटार्कटिक आर द फाइव ओशंस ऑन द अर्थ ठीक है ये फाइव हमारे ओशंस हैं जो आ, हमारे अर्थ पे, पे प्रेजेंट है डैम रिजुआर्स एंड कैनल्स डैम्स आर वॉल्स बिल्ड अक्रॉस रिवर्स टू ब्लॉक और कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम डैम्स वॉटर इज कोलेक्टेड इन आर्टिफिशल लेक्स कॉल रिजोआर्स डैम्स क्या होती हैं जब पानी रिवर का पानी का कंट्रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए डैम्स बनाए जाते हैं उनके पानी को कंट्रोल करने के लिए डैम्स क्या होते हैं बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं जिससे सारा वाटर का फ्लो कंट्रोल में किया जा सकता है फ्रॉम डैम वाटर इज कलेक्टेड इन आर्टिफिशियल लेक्स कोल्ड रिजवायर्स मतलब जो डैम्स डैम के पानी डैम से ना हम क्या करते हैं पानी इकट्ठा करते हैं किस में इकट्ठा करते हैं आर्टिफिशियल लेक्स बनाए जाते हैं वहाँ पर ठीक है उन लेक्स के अंदर हम डैम का पानी सारा इकट्ठा करते हैं और इन डैम्स के पानी को जो आर्टिफिशियल लेक्स में इकट्ठा करते हैं उन आर्टिफिशियल लेक्स को क्या बोलते हैं रिजवायर्स इट इज़ रिलेटेड वन द लेवल ऑफ वाटर इन द रि इज़ इट आल्सो यूज फॉर various other things like generating electricity canals are dug as channels to send water from river or reservoirs to agricultural areas for irrigation जब रिवर का पानी रिवर रिवर का लेवल वाटर लेवल कम होने लगता है तो ये रेजवायर्स में जो पानी हमने कलेक्ट किया हुआ है उसको धीरे धीरे रिलीज़ किया जाता है एंड इट इज़ आल्सो यूज फॉर वेरियस अदर थिंग्स मींस ये जो रेजवायर्स का वाटर है इनको और भी दूसरी चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमें वोटर की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर हम रेजवायर्स का आर्टिफिशियल लेक्स का पानी यूज़ करते हैं कैनल्स आर डग एज चैनल्स टू सेंड वाटर फ्रॉम द रिवर्स और रेजवायर्स टू एग्रीकल्चरल एरियाज कैनल्स क्या होते हैं ये बड़े बड़े कैनल्स होते हैं मतलब डग होते हैं ठीक है गड्ढे होते हैं जिसमें पानी इकट्ठा होता है और इन्हीं कैनल्स का पानी हम नहरें नहरें होती हैं ना डग्स ठीक है उन नहरों का पानी हम क्या करते हैं आगे आ, खेती एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए मतलब खेती वगैरह के लिए आगे फॉरवर्ड किया जाता है किसानों को या फिर आ, और लोगों को ठीक है इट इज़ नॉट सेफ टू ड्रिंक वाटर डायरेक्टली फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज ये हमारे लिए जो ये इन, कैनल हो गया डैम्स हो गया ठीक है इनका पानी इतना सेफ नहीं होता डायरेक्टली अगर हम नेचुरल जैसे कि हम नेचुरल से डायरेक्टली पी सकते हैं बट इनका पानी इतना सेफ नहीं होता क्योंकि ये आ, रिजर्व, रिजर्व करके रखते हैं और काफ़ी टाइम के लिए रिजर्व होता है तो इसको आ, सेफ कंसीडर नहीं कर सकते ठीक है रेन वाटर कैन नॉट बी कंज्यूम्ड एज इट हैज़ मैनी डिजोल्व गैसेज डस्ट पार्टिकल्स एंड जम्प्स इन इट जो रेन uh, वाटर होता है उसको भी हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि इसमें भी कई तरह की गैसेज होती हैं डस्ट पार्टिकल्स और जम्पस होते हैं ठीक है वाटर बॉडीज लाइक लेक्स रिवर्स एंड पोन्ट्स आर पोल्यूटेड बाय गार गारबेज डिस्पोजल्स Washing, bathing factories release toxic waste into then. दैम एंड पीपल डिफिकेट एंड यूरिनेट इन दैम ओल दिस मेक्स द वॉटर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग और जैसे कि हमारे लेक्स का रिवर्स का या पोन्ड्स का पानी होता है ये भी हमारे लिए सुटेबल नहीं होता क्यों सुटेबल नहीं होता क्योंकि ये कई बार जो गार्बेज डिस्पोजल्स होते हैं कई बार लोग जाके नदियों में नहरों में कूड़ा फेंक आते हैं या फिर कपड़े धोते हैं या फिर नहाते हैं तो उनकी वजह से भी ये पानी हमारे लिए सेफ नहीं होता कई बार यूरिनेटिन uh, मतलब कई लोग उसमें बाथरूम uh, वगैरह या फिर uh, बेकार चीज़ें है ना डाल देते हैं जिससे वो पानी टॉक्सिक हो जाता है ठीक है या क्या बल uh, फैक्टरीज फैक्ट्रीज़ का जो वेस्ट होता है वो जाके नदियों में uh, फ्लो कर दिया जाता है तो उससे भी वो सारा पानी हमारे लिए सारा पानी टॉक्सिक हो जाता है मतलब कि जहरीला हो जाता है और हमारे लिए अनफिट होगा अगर हम उसको कंज्यूम करेंगे तो ठीक है सी वाटर इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग बिकॉज इट इज़ सोल्टी जो सी वाटर होता है वो भी हमारे लिए फिट नहीं होता क्योंकि वो सोल्टी होता है रिवर दैट फ्लो डाउन माउंटेन्स कैरी मड एंड अदर वेस्ट अलोंग विथ डैम हैंस वी कैन नो ड्रिंक वाटर डायरेक्टली फ्रॉम डैम ठीक है जो रिवर नदियों का पानी होता है और जो पहाड़ों से बह के आता है उसमें क्या होता है उसमें मिट्टी होती है या फिर कई तरह के वेस्ट वेस्ट होते हैं जो कि उनके साथ बहकर नीचे आ जाता है तो इसलिए इसको भी एक सेफ वाटर सेफ ड्रिंकिंग वाटर कंसिडर नहीं कर सकते द वोटर साइकिल Before we learn about the water cycle, let us understand the process of evaporation and condensation. So, so water cycle, definitions evaporation and uh, condensation. Evaporation. On a rainy day, a few hours after the rain stops and the sun comes out, the puddles of water disappear. This happens due to the heat of the sun. ओन हीटिंग वाटर चेंजेज इन टू वाटर वेपर्स एंड मूव्ज अप दिस इज़ कोल्ड एवपरेशन मीन्स क्या होता है जब बारिश जब बारिश होती है तो बारिश के दिनों में काफ़ी देर बारिश के दिनों में क्या होता है जब बारिश काफ़ी घंटों बाद रुक जाए तो उसमें काफ़ी सारे पानी के पोडल्स बन जाते हैं ठीक है मीन्स वो पानी कहीं कहीं जगह पर जमा हो जाता है लेकिन जैसे ही सन निकलता है वो पानी के पुडल्स थोड़े टाइम बाद गायब हो जाते हैं मीन्स वो पानी जो कलेक्ट हुआ होता है पोडल्स में वो गायब हो जाता है तो ऐसा क्यों है क्योंकि जो सन की हीट है सन की हीट से वो सारा पानी भाप बनकर उठ जाता है और फिर इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं एवोपरेशन बोलते हैं ठीक है थीके? वो जब धूप पड़ती है उस पर वॉटर पुडल्स पे तो वो सारा जो पानी होता है वो वॉटर वेपर के फॉर्म में उड़ जाता है ठीक है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं एवोपरेशन बोलते हैं सम एग्जाम्पल ऑफ एवोपरेशन इज़ इन अवर डेली लाइफ आर गिवन बिलो इसके कुछ एग्जाम्पल जो हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं वो कौन से हैं स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी ड्राइज ड्यू टू एवोपरेशन मीन्स जो भी गर्मी हमारी बॉडी से आ रही है जो भी पसीना आता है वो थोड़ी देर बाद सूख जाता है वो क्यों है किस प्रोसेस के कारण हो रहा है एवोपरेशन के कारण ठीक है वेट क्लोथ ड्राई वेन वी पुट दैन इन द सन वेट क्लोथ को अगर हम गीले कपड़ों को अगर धूप में डालते हैं तब भी वो जल्दी सूख जाते हैं तो वो किसके करके हो रहे हैं करके हो रहे हैं ठीक है, है ना तो देखो सर्दियों के टाइम में अगर इतनी धूप नहीं होती तो उन कपड़ों को सूखने में ज्यादा टाइम लगता है लेकिन गर्मियों में जितनी तेज धूप होती है वो उतनी जल्दी सूख जाते हैं क्यों सूख जाते हैं किस प्रोसेस के करके सूखते हैं एव करके सूखते हैं ओके दस वी कैन से दैट एव ऑपरेशन इज फास्टर वेन इट इज वि डी और सनी एंड द एक्स, एक्सपोज सरफेस एरिया इज इस मोर इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि जितना जितनी ही ज़्यादा धूप होगी और जितना मौसम विंडी होगा तो उतनी ही जल उ, उतना ही प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन फास्टर होगा सोल्ट इज आल्सो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वॉटर यूजिंग द प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन डाइक्स आर मेड ऑन दोर टू प्रिवेंट सोल्ट वाटर Uh, sea water uh, falling back into the sea these areas with dikes are called salt pans the water in these pans gradually uh, gradually uh, evaporates leaving a layer of salt behind this, uh, this is the salt we eat after it is refined in the फैक्ट्रीज़ मीन्स क्या होता है जैसे जो हमें सोल्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं हम सी वाटर से वो कैसे करते हैं एवोपरेशन प्रोसेस से मीन्स एवोपरेशन प्रोसेस की हेल्प से हम क्या करते हैं जो सी वाटर से हम सोल्ट बनाते हैं ठीक है थीके? डाइक्स आर मेड ऑन दी शोर टू प्रिवेंट सी वॉटर फ्रॉम दी फॉलोइंग बैक इन टू द सी मीन्स जब डाइक्स बनाए जाते हैं डाइक्स क्या होती है समंदर के किनारे डाइक्स बना दिए जाते हैं ये ये पिक्चर देख रहे हो आप ये हमारे इस तरह के समुद्र के किनारों पर काफ़ी सारे डाइक्स बना दिए जाते हैं ठीक है और इन्हीं डाइक्स में क्या होता है समंदर का पानी आता है और वहीं पर समंदर का पानी स्टोर हो जाता है इन डाइक्स के अंदर ठीक है और जब इन डाइक्स के ये जो जो डाइक्स बनी होती हैं इनका जितना भी एरिया होता है इनको क्या बोलते हैं साल्ट पैंस बोलते हैं ठीक है ठीके? और इन्हीं साल्ट पैंस में जो भी पानी होता है वो फिर एवोप्रेशन होके उड़ जाता है ठीक है और बाकी जो पीछे एक लेयर होती है सोल्ट की वो वहीं पर एक लेयर बन जाती है सोल्ट की ठीक है पानी तो उड़ गया बट सोल्ट की लेयर वहीं पर बन जाती है और फिर उसी सोल्ट को कलेक्ट करके फैक्ट्रीज में रिफाइन होने के लिए भेजा जाता है और फिर बाद में हम उसी सोल्ट को कंज्यूम करते हैं ठीक है तो इस तरह से हमारा सोल्ट बनता है सो नेक्स्ट इज कंडेंसेशन कंडेंसेशन क्या होता है ऑन कूलिंग वाटर वेपर changes back to drop of water. This is called condensation. When we boil water in a kettle, we can see steam, water vapors coming out from its nozzle. ठीक है हमें क्या होता है जब हम आ, आ, कोई भी चीज़ गर्म करके उसको ठंडा करते हैं तो उसमें से जो वाटर वेपर्स होती हैं वो फिर से पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो जाते हैं ठीक है तो दिस इज़ called condensation. इसको क्या बोलते हैं Condensation बोलते हैं जब भी हम कोई पानी किसी कैटल में गर्म करते हैं और फिर उसको ठंडा करते हैं तो हम हमेशा देखते हैं पानी जब भी गर्म करें उसमें से कुछ स्टीम बाहर आ रही है ठीक है वोटर वेपर्स उसकी नोजल में से बाहर आ रहे हैं ठीक है तो एंड इफ़ वी प्लेस अ प्लेट इन फ्रंट ऑफ द नोजल वी विल फाइंड वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेट फेसिंग द स्टीम दिस इज़ कंडनसेशन मीन्स जब भी हम कोई जैसे स्टीम आ रही है बाहर से नोजल से उसकी और उसी स्टीम के ऊपर अगर मैं प्लेट रख देती हूँ तो वो प्लेट से क्या होता है उस पर कुछ वाटर ड्रोपलेट्स दिखने लगती हैं ठीक है थीके? जो हमने प्लेट उसकी स्टीम उसकी नोजल के आगे रखी हुई है ठीक है इसी प्रोसेस को जो वाटर ड्रॉपलेट्स दिख रहे हैं इसी प्रोसेस को वो ठंडी होगी ना प्लेट पर आकर तो वो वाटर ड्रोप ड्रॉपलेट्स बनगी ठीक है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं कंडनसेशन बोलते हैं ड्यू ड्रॉप्स ऑन लीव्स इन वाटर इन विंटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन इन अवर डेली लाइफ और अगर इनको हम अपनी डेली लाइफ में कहीं ऑब्जर्व करें तो फिर से एक और एग्जाम्पल है कि अगर जो विंटर के टाइम पे जो लीव्स वगैरह पे जो ड्रॉप्स और उसकी बूंदें होती हैं तो वो भी किसका एग्जाम्पल है वो भी एक कंडेंसेशन का ही एग्ज़ाम्पल है ठीक है नेक्स्ट इज़ वाटर इज सर्कुलेटेड कंटिन्यूसली इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ वोटर साइकिल ड्यूरिंग दिस सर्कुलेशन इट कीप चेंजिंग इट्स फॉर्म ठीक है हमारे जो डेली लाइफ में हम पानी पानी हमेशा इधर से उधर सर्कुलेट होता रहता है नेचर में ठीक है हमारे वोटर साइकिल में तो इसी सर्कुलेशन से क्या होता है इसकी चेंज इसका आ, मतलब जो वोटर की फॉर्म है वो चेंज हो जा रही है ठीक है सबसे पहले क्या था वोटर एवोपरेट फ्राम रिवर लेक्स एंड अदर वोटर बॉडीज बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन ठीक है सबसे पहले क्या होता है जो सन uh, की गर्मी होती है उसके करके जो रिवर लेक्स और अदर वाटर बॉडीज़ हैं ओशन से ठीक है उनसे पानी क्या होता है एवोप्रेट होता है मींस एवोप्रेट का मतलब है यहाँ पे जब वो एवोप्रेट होके आसमान में सारा पानी वाटर वेपर बन के जाता है ठीक है सम ऑफ दिस वाटर चेंजेज इन टू वाटर वेपर एंड देन राइज इन द स्काई वही है कि वोटर वेपर बन गया वो क्रिएट और फिर स्काई में उठ गया ठीक है एज इट गोज हायर इट मीट्स कोल्ड एयर एंड कंडेंसिस टू फॉर्म क्लाउड्स ठीक है फिर क्या होता है बेटा जैसे ही वो ऊपर उठता जाता है फिर वो कोल्ड uh, एयर बन जाता है जैसे ही वाटर वेपर्स ऊपर आसमान में जाते जाते हैं वो ठंडी होती जाएंगी वाटर वेपर्स और फिर कंडेंस होकर एक क्लाउड बन जाएंगी ठीक है बादल बन जाएंगे एज मोर एंड मोर ड्रॉप्स ज्वाइन द क्लाउड्स ठीक है दे बिकम हैवी एंड ब्रस्ट और जैसे ही जैसे वो सारी ड्रॉप्स ऊपर आसमान में जाती जाएंगी इकट्ठी होती जाएंगी ठीक है और जब वो ज़्यादा हैवी हो जाएंगी तो वो हैवी होके ब्रस्ट हो जाएंगी मीन्स रेन की फॉर्म में नीचे आ जाएंगी ठीक है दिस वाटर फ्रॉम दी क्लाउड्स रीचिसज द ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ रेन हेल्स स्नो एंड स्लिट फिर ये जो नीचे आता है जब क्लाउड हैवी हो जाता है तो वो ग्राउंड तक कैसे आता है किस फॉर्म में आता है कभी रेन की फॉर्म में आ जाता है कभी हेल हेल क्या होते हैं वो ओले पड़ते हैं ना ठीक है हेल की फॉर्म में आ जाता है कभी स्नो की फॉर्म में आता है और कभी स्लिट के फॉर्म्स में आता है ठीक uh, है दिस इज कॉल्ड परसिपिटेशन इसको परसिपिटेशन कहते हैं ठीक है और ये हमारा वोटरसाइकल है सबसे पहले यहाँ पर क्या हो रहा है वाटर एबोपरेट हो रहा है ठीक है

एंड अगेन एवोप्रेट्स ठीक है फिर क्या होता है जब पानी uh, सारा बारिश होती है तो बारिश होकर फिर से अर्थ के सरफेस पर आ जाती है यानी ओशंस में या फिर uh, पोन्ट्स में लेक्स में फिर से वो ज्वाइन कर जाता है और फिर से दोबारा से एवोपरेट वाली प्रोसेस शुरू हो जाती है तो इसी को लाइफ साइकिल कहते हैं ठीक है वोटर लाइफ साइकिल दिस वोटर साइकिल गोज ऑन एंडलेसली इन नेचर मीन्स ये कंटिन्यूसली चलता ही रहता है पहले वो एवोपरेट होता है वोटर वेपर बनता है वोटर वेपर बन के क्लाउड्स बनाता है क्लाउड्स बना के फिर से बारिश होती है फिर बारिश हो के फिर नीचे आता है मतलब वो सेम प्रोसेस वोटर साइकिल ऐसे ही चलती रहती है सो आई होप दिस चैप्टर वुड बी क्लियर टू यू थैंक यू एंड हैवे अइस डे